में आ गया है, भगवान के चिंतन करिए। तो उनके दुकान, उनके चिंतन में तो न जाने क्या घुसा हुआ था, उनके चिंतन में तो घुसा हुआ था कौन कौन सब कहाँ है, सारी व्यवस्था है कि नहीं, दुकान ठीक से चल रही है कि नहीं, इतना बड़ा व्यापार। उन्होंने कहा राम कहाँ है, बोले राम ये रहा। राम ने कहा पिताजी मैं ये रहा। अच्छा कृष्ण कहाँ है, कृष्ण ने कहा मैं यहाँ बैठा। और हरि कहाँ है, बोले हरि यहाँ बैठा है। और चौथे ने चौथे का नाम लिया, उन्होंने वो कहाँ है, बोले वो भी यहीं बैठा है। अरे वो तुम चारों यहाँ बैठे हो तो दुकान पर कौन बैठा है, दुकान पे कोई को तो होना चाहिए। इतना अंतिम वाक्य उनका निकला, दुकान पे कौन बैठा है, और टें हो गए बिल्कुल समाप्त शरीर छोड़ दिया। तो अंतिम समय में उनकी गति कैसे हुई होगी, भगवान कृष्ण आठवें अध्याय में कहते हैं ऐसे लोगों की गति बड़ी दुखपूर्वक होती है, बड़ी दुखद गति होती है। जैसी गति होती है जैसे अंतमति सो गति, जैसी अंतमति होगी वैसी गति होगी। देह और मन की दीवारें टूटती हैं तब निराकार की झलक मिलती है। जो भगवान कह रहे हैं ना क्लेशो अधिक त्रस्ते शाम अव्यक्त सक्त चेतसाम, निराकार की झलक तब मिलेगी जब देह और मन की दीवारें टूटेंगी। और देह और मन की दीवारें कब टूटेंगी, जब आपको समझ में आ जाएगा कि आप कौन है, आपका सही स्वरूप क्या है। हमारे पांच बेरियर को क्रॉस करते हैं तो फिर जाते हैं ऊपर। श्री अरविंद कहते हैं कौन कौन से हैं, माइंड, दूसरा है हायर माइंड, तीसरा है इंट्यूटिव माइंड, चौथा है इल्यूमिनेटेड माइंड, पांचवा है ओवर माइंड, छठा है सुपर माइंड। अब हम एक एक करके व्याख्या करते हैं, एक एक मिनट की बस। माइंड से जब सुपर माइंड की तरफ चलते हैं, माइंड से जब हायर माइंड की तरफ चलते हैं, हायर माइंड मतलब प्रतिभाशाली मन, प्रतिभाशाली मन, मन से प्रतिभाशाली मन की ओर हायर माइंड। इंट्यूटिव माइंड यानी विराट की कुछ झलक दिख रही है, थोड़ी थोड़ी विराट का कहीं स्वरूप दिख रहा है, कॉस्मोस की झलक दिख रही है। जैसे कवि, जैसे कलाकार, जैसे उपन्यास लिखने वाले, आपको मालूम है टाइटैनिक डूबने के पहले, टाइटैनिक जहाज जो डूबा था ना उसके पहले किसी को कल्पना हो गई थी कि टाइटैनिक डूबने वाला है। उसके बाद टाइटैनिक बना, टाइटैनिक डूबा, तो उसको लिखने वाले ने उसके पहले लिख दिया। तो जिसने भी फिल्म बनाई उसने टाइटैनिक बिल्कुल वैसी फिल्म बना दी। ये क्या है, इंट्यूशन, इंट्यूटिव। कैकुले को बेंजीन का फॉर्मूला मिल गया सपने में, स्वप्न में, इंट्यूटिव, इंट्यूशन, इंट्यूटिव माइंड। कॉस्मोस की झलक, विराट की एक झलक आपको मिल जाए, एच जी वेल्स ने जो उपन्यास लिखा है। चौथा माइंड है इल्यूमिनेटेड माइंड, इसमें झलक ज्यादा होती है, बार बार इल्यूमिनेशन होता है, बार बार झलक दिखने लगती है, परमात्मा की झलक, भगवान कृष्ण की झलक, भगवान शिव जी की झलक बार बार दिखाई पड़ती है। जैसी भक्ति होती है वैसी झलक दिखाई पड़ती है। और अगला पांचवा है ओवर माइंड, इसको श्री अरविंद ने कहा है अधिमानस, ओवर माइंड ने अधिमानस। श्री कृष्ण अधिदेवता है, विराट साकार रूप लेता है इसमें। भगवान कहते हैं मेरी शरण, मेरी शरण का मतलब क्या होता है, मेरी शरण का मतलब क्या होता है, मां मनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करके युद्ध कर, तू मेरी शरण में आ जा। मैं अर्पित मनोबुद्धि यो मत भक्त समय प्रिय, जिसकी बुद्धि मेरे को अर्पित हो। मेरी शरण ने परब्रह्म परमात्मा को समर्पित, भगवान कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है, वो उस रूप में बोल रहे हैं। संपूर्ण रहते, देह रहते, आप उसे प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। छोटी सी महाभारत की कथा सबको मालूम है, दुर्योधन कह रहा है, भगवान कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेके गए कि संधि हो जाए किसी तरह से तो सब ठीक हो जाएगा। तो जब भगवान कृष्ण गए तो स्वागत करने के लिए भीष्म, कृपाचार्य, द्रोण उनको लेने के लिए आए। और दुर्योधन क्या कहता है, अंदर जोर जोर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, ये तीनों बूढ़े कहां जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये ग्वाला हमको मोहित करने के लिए आया। ग्वाला, भगवान कृष्ण को गाली देते हुए कहता है ग्वाला हमें मोहित करने के लिए, इधर उधर की बात कहेगा तो उसको मार डालूंगा। शकुनी से कहता है, दुशासन से कहता है, सबसे कहता है तुम लोग रस्सियां लाओ बड़ी बड़ी, इसको अपन घेर के पकड़ लेंगे। परमात्मा को कौन पकड़ सकता है, परमात्मा को पकड़ सकता है, विराट को कोई मान सकता है, विराट को केवल मीरा मान सकती है, विराट को केवल रैदास मान सकते हैं, विराट को केवल कबीर मान सकते हैं, विराट को रामकृष्ण मान सकते हैं, पर विराट को दुर्योधन नहीं मान सकता। बुरी बुद्धि वाला कभी नहीं मान सकता, इसको बुद्धि और मन जिसका उसी में उलझा हुआ है, उन्हीं कामों में उलझा हुआ, क्या मान पाए। तो कहता है दुर्योधन, कहता है कि दुर्योधन की मंडली जो है वो कैद करने में लगी हुई है। अब भीष्म कहते हैं कृष्ण का अपमान नहीं हो सकता, वे देह में दिखते हैं पर देह उनकी छाया मात्र है, असली में क्या है, वो सनातन सर्वेश्वर है, वे तो सर्वेश्वर है, सनातन है। कृष्ण ने पांच गांव की बात कही, पांच गांव पांडवों को दे दीजिए, पांचों के पांचों एक एक गांव में रह लेंगे। तो दुर्योधन कहता है मैं सुई की नोक के बराबर भी नहीं, अहंकार की पराकाष्ठा।
मैं सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे दुर्योधन, अपनी माता को रोने के लिए विवश मत करो, 100 के 100 मारे जाओगे। अब ये कौन कह सकता है? वही कह सकता है ना, ताकतवर हो सबसे ज्यादा। कौन ताकतवर है? परमात्मा। परमात्मा के रूप में वो कह रहे हैं, हे दुर्योधन, अपनी माता को रोने के लिए विवश मत करो, तुम ऐसी स्थिति ला रहे हो कि तुम सारे का सारा सारा खेल बिगाड़ रहे हो। रश्मि रथी करके उपन्यास है दिनकर का, रामधारी से दिनकर का उपन्यास है रश्मि रथी, बड़ा सुंदर उसमें वर्णन आया है वाला। तो वो कहते हैं, मैं तुझे बांध दूंगा ग्वालियर, तू सम्मोहिनी विद्या करके इन गुणों को प्रभावित कर लेगा, हमें प्रभावित नहीं कर सकता, हम तुझे बांधेंगे। भगवान कृष्ण का, मुझे बांध कर तो देखो, मुझे बांध कर तो देखो। साधक को समाधि में आत्मतत्व का अनुभव होता है, साधक समाधि में आत्मतत्व का अनुभव होता है। पर जब तीसरी मंजिल तक पहुंच जाता है साधक, तो उसको ओवरमाइंड की स्थिति में चला जाता है। कृष्ण जो है वो ओवरमाइंड की स्थिति में है, अधिमानस की स्थिति में है। उस ओवरमाइंड की स्थिति में परात्पर सर्वेश्वर और उस परब्रह्म की स्थिति में जाकर के बात कर रहे हैं। तो अधिमानस की चेतना को कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना, कृष्ण चेतना। श्री अरविंद कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस अधिमानस की चेतना। निराकार का बहुत मुश्किल है, पर साकार का बोध संभव है। भीष्म साकार की उपासना करते हैं कृष्ण की, द्रोण साकार के रूप में मानते हैं कृष्ण को, कृपाचार्य साकार के रूप में मानते हैं, इसलिए मानने की वजह से उनको स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। कभी कभी भक्तों को भगवान कष्ट देते हैं, क्यों? तप कराना चाहते हैं। कभी कष्ट आए तो ये समझ लेना तप कराने के लिए। दुख देह की अनुभूति को तोड़ता है, दुख जो है वो देह की अनुभूति को तोड़ते हैं। उत्साहपूर्वक यदि सकारात्मक ले लें कष्ट को, पॉजिटिवली ले लीजिए कष्ट को, तो हम देह मन से परे चले जाते हैं। देह मन से परे जाने का तरीका क्या है? कष्टों में जाकर कष्टों को पॉजिटिव ले लेना, या कष्ट आ जाए तो कष्ट को विधेयात्मक दृष्टि से लेना। बहुत असुविधाएं हैं, बहुत प्रतिकूलताएं हैं, घर में माता पिता दुखी हैं, हमारे घर में हमारा भाई अपनी पत्नी को मारता है, हमारी बहन को उसका बहनों ही मारता है, हमारा बहनों ही मारता है, हमारे माता पिता में आपस में लड़ाई चलती है, ये सब दुख भरी कहानियां मैं सबकी सुनता रहता हूँ बच्चों की। ये दुख आएंगे, सहज स्वाभाविक आएंगे, पर इस दुख को पॉजिटिव वे में लेकर एक सही दृष्टि विकसित करना, यदि ये स्वरूप बन जाए तो हम दुख को भी कष्ट को भी योग बना सकते हैं, कष्ट को भी तप बना सकते हैं। अखंडानंद जी के साथ स्वामी विवेकानंद ऋषिकेश के पास एक स्थान है, यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए और सभी गुरु भाई एक साथ। अब स्वामी विवेकानंद का स्वास्थ्य चलते चलते खराब हो गया, 1892 की बात है ना, 1892 का प्रसंग। स्वास्थ्य खराब हो गया, सांस की तकलीफ थी उनको, नाड़ी छूटने लगी, किसी ने नाड़ी देखी, उन्होंने कही तो नाड़ी छूट रही है, ब्लड प्रेशर लो हो गया है। सब परेशान, और इतना परेशान कि उनको लगा तो बेहोश हो गए, अब बैठ के रोने लगे। स्वामी जी लोगों को इतना प्रेम था नरेंद्र से, स्वामी विवेकानंद नाम नहीं पढ़ा था उनका, इतना प्रेम था कि रोने लगे। अब तो गया, अभी नरेंद्र तो गया, नरेंद्र गया और हम लोग तो किस खेत की मूली हैं, हम सब लोग मिलजुल करके कैसे करेंगे सब काम को। बैठ करके रोने लगे, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। इतने में एक नागा साधु वहां आया, अरे बोले ये तो साक्षात परमात्मा के एक अंग है, परमात्मा का हिस्सा आया है तुम्हारे बीच में। विजनरी था, दिव्य दृष्टि वाला था। उसने कहा ये मरेंगे नहीं, रो मत, मैं एक भस्म देता हूँ, इनके देह पे लगा दो, थोड़ी सी इनको चटा दो, देह पे लगाओ चटाओ, और इन्हें बहुत काम करना है, आने वाले 10 साल में खूब काम करेंगे। मतलब तय भी करके, समय भी तय करके 1992 में कि 10 साल में खूब काम कर। विवेकानंद को जैसी भस्म लगाई, मुंह में डाली, उठ गए, बोले अरे तुमने क्या किया, ये तुमने अन्याय किया मेरे साथ। क्यों? मैं तो बड़ी ऊंची अवस्था में चला गया था, मैं तो बहुत ऊंची अवस्था में था, और तुमने मुझे धरातल पे लाके पटक दिया। साक्षात ठाकुर से बात कर रहा था, ठाकुर से बात कर रहा था, ठाकुर से बात कर रहा था। अरे तुम्हारी तो पल्स छूट रही थी, हमारी हालत खराब हो रही थी, तुम्हारी पल्स छूट रही थी, तुम्हारी नाड़ी छूट रही थी, तुम्हारी पल्स कमजोर हो गई थी, ब्लड प्रेशर तुम्हारा हो गया। ये जो मेडिकल लैंग्वेज है उससे परे है स्पिरिचुअल लैंग्वेज, जहाँ हम लोग कहते हैं कि पल्स छूट रही थी, ब्लड प्रेशर लो हो गया था, उस लैंग्वेज को स्पिरिचुअल आदमी नहीं मानता। स्पिरिचुअल आदमी क्या कहता है? स्पिरिचुअल आदमी कहता है कि मैं तो उस समय ट्रांस की स्थिति में था, ऊपर चला गया। तुम लोग कभी पल्स वल्स कमजोर हो जाते, ये मैं समझना कि तुम ट्रांस में चले गए, तुम बता देना डॉक्टर के लिए, तुम लोग उस स्थिति में नहीं हो अभी। मैं तो ये बड़े बड़े महापुरुषों की बात बता रहा हूँ, इनको सुनने के बाद कभी ये मत सोचना कि हम तो भाई न जाने कहाँ चले गए थे, तुमने कहाँ लाके पटक दिया हमको, तुम मत बोलना।
उन्होंने कहा मैं तो ऊंची अवस्था में था, कौन सी स्थिति में चले गए थे? हायर माइंड से भी ऊंची, इंट्यूटिव माइंड से भी ऊंची, कौन सी स्थिति में? इल्यूमिनेटेड माइंड से भी ऊंची, ओवर माइंड। और ओवर माइंड से भी ऊंचा क्या होता है? सुपर माइंड। सुपर माइंड यानी परात्पर चेतना, साक्षात परमात्मा की चेतना। तो परात्पर चेतना के जो समीप हो उसको ऐसी अनुभूति हो सकती है। इसलिए भगवान कहते हैं कष्ट विशेष है, परिश्रम विशेष है, गति दुख पूर्वक है, सामान्यतः आदमी हिल जाता है। ईसा को सूली पर चढ़ा गया, ईसा को जब सूली पर चढ़ाया गया तो उन्हें ज्ञान था कि वे परमेश्वर के पुत्र हैं। और उन्होंने लिखा भी है जिसने पुत्र को देख लिया उसने पिता को देख लिया, जिसने पुत्र को देख लिया उसने पिता को देख लिया। एक वाक्य है बाइबल का, वन हु हैज सीन द सन हैज सीन द गॉड, जिसने पुत्र को देख लिया उसने पिता को देख लिया। बाइबल कहती है कि ये साक्षात ईश्वर के प्रतिरूप थे, पैगंबर थे। एक बार जब सूली पे चढ़ाया जा रहा था और कीलें ठोकी जा रही थी, एक बार के लिए बिलख पड़े, वो रो पड़े, ये क्या हो रहा है मेरे से। चेतना ऊपर जाती जाते एकदम नीचे आ गई, उस समय रो पड़े। और जैसे ही पता चला अरे ये मैं क्या कर रहा हूं, तुरंत ऊपर की चेतना में चले गए। ऊपर की चेतना में जैसे चले गए वैसे ही कहे भगवान तेरी इच्छा पूरी, हे प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं पर तेरी इच्छा पूरी हो। एक एक पल के लिए विचलित देह के कारण हो जाता है। सूली से बड़ा वरदान ईसा को मिल नहीं सकता था। मैं दो लोगों में बड़ी तुलना करता हूं, भीष्म पितामह और ईसा।